किंग्स इलेवन ने आखिरकार दर्ज की आईपीएल 2020 की दूसरी जीत, हराया आरसीबी को 8 विकेट से। अभी भी जिंदा रखी है प्लेऑफ की उम्मीदें, और आज शाम को रोहित वर्सेस दिनेश कार्तिक का है मैच, इस पर करेंगे चर्चा। मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होगा आज के मैच में बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे कल खेले गए मुकाबले की, मैच नंबर 31, आरसीबी वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब। अब सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। टॉस जीता कोहली ने किया बैटिंग का फैसला, जो इस पिच को देखकर सही डिसीजन भी था। अब आरसीबी ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन पंजाब ने 3 बदलाव किए। गिल को खिलाया मुजीब रहमान की जगह पर, यह बड़ा आश्चर्य था। हुड्डा को खिलाया मनदीप की जगह, और अश्विन को खिलाया प्रभ सिमरन की जगह पर। अब आरसीबी तरफ से फिंच और देवदत्त पड्डीकल ओपनिंग करने आए। दोनों ने शुरुआत में बहुत अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन आरसीबी को अपनी जोड़ी को आरसीबी ने तोड़ दिया। 38 रन पर यहाँ पहला विकेट गिरा आरसीबी का। देवदत्त कवर के ऊपर शॉट लगाने के चक्कर में पूजन को कैच थमा बैठे। इसके बाद कोहली ने जिम्मा संभाला यहाँ से, और स्टार्टिंग में अच्छे शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन दूसरी तरफ फिंच अश्विन की बॉल पर बोल्ड हो गए। फिंच ने 18 बॉल 20 रन बनाए, और सबसे बड़ा जो आश्चर्य हुआ वो हुआ जब एवीडी फोर्थ पोजिशन पर नहीं आए। उन्होंने सबसे पहले सुंदर को भेजा, उसके बाद शिवम दुबे को भेजा, नंबर 5 पर भी डब्ल्यूएस को नहीं भेजा। ए बी डब्ल्यूएस जो 33 गेंदों 73 रन बनाए थे पिछले मैच में के खिलाफ, वो 6 नंबर पे आए, जो 16 ओवर कंप्लीट हो गए थे उस टाइम तक। लेकिन डब्ल्यूएस कुछ खास नहीं कर पाया, 2 रन बनाकर सेमी का शिकार बने। इसी ओवर में कोहली भी 48 रन बनाकर चलते बने और सेमी गेंद पर आउट हो गए। लेकिन लास्ट में मॉरिस 25 रन 8 गेंदें और उड़ाना 10 रन 5 बॉल की छोटी पारी की मदद से आरसीबी ने 172 रनों का लक्ष्य दिया। किंग्स इलेवन की तरफ से सबसे ज़्यादा सफल जो गेंदबाज रहे वो रहे मुरुगन अश्विन। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। अब जवाब में लक्ष्य का पीछा करने होते पंजाब की शुरुआत बहुत अच्छी रही। राहुल और मयंक ने पहले विकेट के लिए 78 रनों की सहायता की। मयंक ने 25 बॉल पर 45 रन बनाए, और फिर उसके बाद बड़े अच्छे शॉट लगाए। अब नंबर 3 पर बैटिंग करने आए क्रिस गेल, क्रिस्टोफ हेनरी गेल, यूनिवर्स बॉस। गेल ने राहुल के साथ मिलकर जीत के करीब बिल्कुल पहुंचा दिया। अब लास्ट ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब को जीत रंग चाहिए थे 2 रन, और किंग्स इलेवन के 2 रन बनाने में इतने पसे छूट गए कि वो मैच लास्ट बॉल तक चला गया। अब गेल ने रन आउट होने से पहले 45 बॉल पर 53 रन बनाए, और वो बहुत मैच विजयी पारी थी उनकी। क्रिस गेल ने रन आउट होने से पहले 45 बॉल पर 53 रन बनाए, जिसमें 1 चौका 5 छक्के शामिल थे। जब गेल आउट हुए तो पंजाब को 1 बॉल पर 1 रन चाहिए था। फिर नंबर 4 पर निकलस पूजन आए, और पहले ही गेंद पर 6 रन मारकर किंग्स इलेवन को 8 विकेट से जीत दिलाई। केएल राहुल को उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। तो अब तो ये बात हो गई कल हुए मैच की। अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जिस इंडियंस वर्सेस नाइट्स के बीच आकर मुकाबला होगा। एक तरफ रोहित होंगे तो दूसरी तरफ होंगे दिनेश कार्तिक। अब अगर हेड टू हेड मुकाबले देखें तो 26 मुकाबले हैं दोनों ही टीम्स के बीच, जिसमें से 20 मैच मुंबई ने जीते हैं और मात्र 6 मैच की कर अपने नाम दर्ज कर पाई है। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीम पोजीशन देखें तो नंबर 2 पर मुंबई इंडियंस है, तो वहीं केकेआर 4th पोजीशन पर। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की दावेदार लग रही हैं, और बिल्कुल ऐसी खेल भी रही हैं। अब इस मैच में जिस टीम का सबसे ज़्यादा पलड़ा जो भारी लग रहा है वो मुंबई के इंडियंस हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या केकेआर बिना नैदानिक गेंदबाजी के मैच जीत सकती है, क्या चांसेस लग रहे हैं? तो मैं तो कहूँगा चांसेस तो हैं, बट जीतने के चांसेस कम हैं। राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग कराओ यार, सुमन गिल के साथ। टॉम बेंडर को हटा कर नैदानिक को वापस लाओ। बॉलिंग नहीं करेंगे नैदानिक कोई बात नहीं, लेकिन बैटिंग तो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी तूफानी यही चीज़ है आज कि केकेआर को ये चीज़ सोचनी है कि रसल को आज चलना होगा, रसल को आज खिलाना ऐसा है कि वो बहुत मारे रन। मॉर्गन और कार्तिक को जिम्मेदारी उठानी होगी, और प्लीज़ केकेआर 6 बॉलर के साथ आप जरूर उतरें, वरना आज आप रन बहुत खाएंगे। और क्योंकि मुंबई इंडियंस है वहाँ बैटिंग लाइनअप बहुत ही बड़ी है, तो मैं तो आपको सबको राय ये दूंगा कि कुलदीप यादव को आज खिलाइए, क्योंकि कुलदीप यादव में वो जिगरा है जो होना चाहिए बॉलर के पास। अब मुझे एक टीम पिक करनी है, कौन सी टीम आज के मैच में जीत सकती है। तो आज मेरा दिमाग कह रहा है कि केकेआर जीतनी चाहिए, लेकिन दिल मेरा कह रहा है कि मुंबई जीतेगी। मैं आरसीबी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आरसीबी के हित में जो बात जाएगी तो वो ही मुझे शायद, मैं चाहता हूँ कि आज वो जीते। तो केकेआर का जीतना, मुंबई का हारना, ये मेरे आरसीबी की टीम के हित में है। तो मैं आज केकेआर को जिताऊंगा,
केकेआर के जीतते से पॉइंट्स टेबल में मजा बहुत आएगा। मुंबई की तीसरी हार होनी चाहिए जो हो सकती है, और केकेआर की पांचवी जीत होगी और होनी चाहिए। तो यह है मेरी प्रेडिक्शन आज की, जो यह है कब केकेआर को मैच जिता रहा हूँ। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भैया आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है नवनीत सिंह प्रोडक्शन। इस चैनल पर मैंने कोरोना को एक एनिमेशन मूवी बनाई है, आप इसको जरूर देखें। आपको ये पता चलेगा कोरोना इंडिया में कैसे फैला, चाइना में कैसे स्टार्ट हुआ था, सब नॉलेज आपको हो जाएगी। टोटल 5 पार्ट्स है इस मूवी के, 4 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं। इस चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।